Hello friends, very warm welcome to LK Academy Current Affairs Series, and today I am going to conduct the part 3 of your January 2020 Current Affairs. I hope you have gone through the both previous lectures. All the topics covered are very important, so I insist to go through that lecture first and then continue with this lecture. So today we will start with your test questions that was given to you on my previous lecture. चलिए, तो ये जो क्वेश्चन था वो आपको पूछा गया था, कुछ सेंटेंस दिए गए थे और पहचान कौन टाइप का क्वेश्चन था, राइट? सो जो डिटेल्स आपको दी गई थी, उस हिसाब से आपका सही आंसर क्या होता है, ओडिसी. ओके, इट इज वन ऑफ द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया. तो इंडिया के जो 8 क्लासिकल डांसेस है उसमें ओडिसी इज वन ऑफ देम. इट हैज द ओरिजिन इन द टेम्पल्स, तो ये टेम्पल से ओरिजिन हुआ था, जो भी सही बात है. चौक पोस्चर इज अ मेजर फीचर ऑफ इट. चौक पोस्चर जो है वो उसका मेजर फीचर है. एंड पोएट काबीचंद्रा कालीचरण पटनायक इज रिलेटेड टू द डांस फॉर्म. तो काबीचंद्रा कालीचरण पटनायक इज रिलेटेड टू डांस फॉर्म ओडिसी. ओके, सो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी हुई, जस्ट गो थ्रू दिस. तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ओडिसी. आई होप एवरी वन ऑफ यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर. चलिए, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो था, द टर्म एम स्ट्राइप्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. और आपको ऑप्शन दिए गए थे, कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फौना, ऑप्शन बी मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व, इंडिजिनियस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, एंड सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवेज. तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा, यहाँ पे आपका सही आंसर जो होगा वो है एम स्ट्राइप्स, दैट इज रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व. ओके, चलिए, एम स्ट्राइप्स का पूरा नाम मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस. तो ये नाम आपको याद रखना है. या तो आप वो आपको ये पूछा जा सकता है कि किसके साथ जुड़ा हुआ है, या तो आपको ये पूछा जा सकता है कि तो उसका पूरा नाम क्या है. तो ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस. एंड इट इज अ पेट्रोलिंग एप्लीकेशन इज डिप्लॉयड एंड यूज इन एवरी टाइगर रिजर्व इन इंडिया. तो हर टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट ऑफिशियल्स पेट्रोलिंग के लिए इस एप्लीकेशन का यूज करते हैं, जिसको नाम दिया गया है एम स्ट्राइप्स. ओके, चलिए, मैंने पीछे आपको स्क्रीन पे पूरा एक टाइगर का स्क्रीन दिया हुआ है. क्यों? क्योंकि आपको इजीली वो याद रह जाए. चलिए, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो था, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. ब्रह्मो समाज को किसने एस्टैब्लिश किया था, प्रार्थना समाज, और ऐसी कुछ चार एजेंसियों का नाम आपको दिया गया था. ओके, तो ब्रह्मो समाज, और आपको पूछा गया था कि करेक्टली मैच जो है वो आपको ढूंढना था. तो करेक्टली मैच आपके 1 और 3 होंगे. ओके, चलिए, तो पहले उनके बारे में देख लेते हैं. ब्रह्मो समाज को एस्टैब्लिश किया गया था बाई राजा राम मोहन राय, दैट इज करेक्ट. और वो डेट थी, वो ईयर था 1828. प्रार्थना समाज को एस्टैब्लिश किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर, सो दिस इज रॉन्ग. Why? Because प्रार्थना समाज was founded by Dr. आत्माराम पांडुरंग in 1867. तो second जो option है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. सत्य शोधक समाज was founded by ज्योतिबा फुले in the year of 1873. The Servants of India Society was founded by Subhash Chandra Bose, that was given, but that is wrong. Why? Because the Servants of India Society founded by Gopal Krishna Gokhale in 1905. ओके, चलिए, तो दिस वॉज योर करेक्ट आंसर्स. एंड मैंने राजा राम मोहन राय और महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में आपको कुछ दिया हुआ है, जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा स्टफ. ओके, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज पिक्चर्स. चलिए, नेक्स्ट जो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, दैट इज ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. ओके, नाउ व्हाट इज ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? सो अ कमिटी ऑन द इंडियन डायस्पोरा अंडर द चेयरमैनशिप. देखिए, पहले तो क्या होता है ये मैं समझाते हैं. ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि जो लोग इंडियन ओरिजिन के हैं बट दे आर रिसाइडिंग आउट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के बाहर के कंट्रीज में रहते हैं, तो उनको भी इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि भाई उनको भी कुछ कुछ जो राइट्स है, कुछ कुछ जो फैसिलिटीज है जो कि इंडियन सिटीजन को मिलती है, वो फैसिलिटीज उनको भी दी जाए. क्यों दी जाए? क्योंकि वो लोग बाहर कमाकर काफी सारा जो फॉरेन करेंसी है, ओके, वो कहां भेजते हैं? इंडिया में अपने परिवारों को, अपने फैमिलीज को वो भेजते हैं. एंड बाई दैट मीन्स दे आर हेल्पिंग इंडियन इकोनॉमी. तो अपनी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई उनको कुछ फैसिलिटीज दे दी जाए जो उनको काम आए.
ओके चलिए, अ कमिटी ऑन द इंडियन डायस्पोरा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एल एम संघवी 2002। ओके, सो एल एम संघवी की चेयरमैनशिप में एक कमिटी बनाई गई थी 2002 में। उन्होंने ये रेकमेंड किया था कि भाई आपको सिटीजनशिप एक्ट 1955 में टू प्रोवाइड फॉर ग्रांट ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप टू द पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन बिलोंगिंग टू सर्टन स्पेसिफाइड कंट्रीज। ओके, तो कुछ कंट्रीज के लोगों को एक टिपिकल सेट ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा दी जाए। ओके, और ये देखिए, ये सीधा सीधा आपको पूछा जा सकता है कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, एल एम सिंघवी कमेटी। अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 मेड प्रोविजन फॉर एक्विजिशन ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय द पीआईओज ऑफ 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज अदर देन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ओके, तो जब ये स्टार्ट की गई थी ये फैसिलिटी, ओके, बाय मेकिंग द अमेंडमेंट इन सिटीजनशिप एक्ट 2003, उस टाइम पे 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज में रहने वाले इंडियन ओरिजिन के लोगों के लिए ओसीआई फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी गई थी एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। लेटर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ द ग्रांट ऑफ ओसीआई कार्ड्स फॉर पीआईओस, आई मीन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑफ ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो 2005 में जो चेंजेस किए गए इन द सिटीजनशिप एक्ट, ओसीआई फैसिलिटी सबको प्रोवाइड करवा दी गई इंडियन ओरिजिन के जो भी लोग हैं जो और कंट्रीज में रहते हैं, बट टू पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में अगर कोई इंडियन ओरिजिन वाला बंदर रहता है उसको ओसीआई कार्ड नहीं मिलेगा। ओके, उसके लिए हमने वापस इसको किससे आप कनेक्ट कर सकते हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट द ओसीआई इज नॉट एक्चुअली ड्यूअल सिटीजनशिप एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड ड्यूअल सिटीजनशिप और ड्यूअल नेशनैलिटी। तो ओसीआई कार्ड कोई ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, वो एक किस्म की एक्सपांडेड फैसिलिटी है, एक एक्सटेंडेड फैसिलिटी है जिससे कुछ जो फैसिलिटीज है जो सिटीजन को मिलती है इंडियन सिटीजन को, वो फैसिलिटी उनको भी दे दी जाए। ओके, जैसे कि लॉन्ग लाइफ लॉन्ग वीजा हो गया, आधार कार्ड फैसिलिटी हो गई, ये सारी चीजें उनको दी जाएगी। ओके चलिए, ओसीआई डज नॉट कॉन्फर पॉलिटिकल राइट्स। तो ओसीआई कार्ड होल्डर को कोई ही भी प्रकार के कोई भी फॉर्म में पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेंगे जो एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन को मिलेंगे। द रजिस्टर्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द राइट्स कॉन्फर्ड ऑन अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 16। एंड व्हाट इज आर्टिकल 16? राइट ऑफ इक्वालिटी, ओके, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विथ रिगार्ड्स टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, जैसे जीपीएससी दे रहे हो या यूपीएससी दे रहे हो या कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जब कोई एग्जाम देते हो, तो व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर दैट? यू मस्ट बी इंडियन सिटीजन। ओके, तो ओसीआई कार्ड होल्डर ये सारी एग्जाम्स नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंडियन सिटीजन नहीं है। ओके, वो ओसीआई कार्ड होल्डर है। ओसीआई कार्ड होल्डर होना और इंडियन सिटीजन होना, दैट इज दी लाइक टू पोल्स। ओके, वो काफी अलग चीजें हैं। ओके, तो यही चीज आपको समझनी है। द सिटीजनशिप एक्ट 2015 रिप्लेस्ड द नोमेनक्लेचर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया विथ दैट ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ओके, तो 2015 में ये नोमेनक्लेचर चेंज कर दिया, मतलब उसका नाम चेंज कर दिया गया। ओके, तो पहले नाम था ओवरसीज सिटीजनशिप, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कर दिया गया। दी ओसीआई स्कीम प्रोवाइड्स फैसिलिटीज लाइक लाइफ लॉन्ग वीजा, एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड पैरिटी विद एनआरआईस इन इकोनॉमिक फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल फील्ड्स एक्सेप्ट परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज पॉलिटिकल एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट राइट्स। तो ये सारे राइट्स नहीं मिलेंगे, अदरवाइज के सारे राइट्स उनको मिलेंगे। ओके, वो एग्रीकल्चर लैंड यहां पे नहीं खरीद सकते, कोई पॉलिटिकल और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के राइट भी उनको नहीं मिलेंगे। ओके, वो कोई एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते, और एग्जाम में जब अपीयर नहीं होंगे तो कोई गवर्नमेंट जॉब उनको नहीं मिलेगी। चलिए, तो और दिस इज द डायरेक्ट कटिंग फ्रॉम योर द हिंदू न्यूज़पेपर।
ओके तो ट्राई कीजिएगा आप इसको समझ पाए, ताकि आपको अगर नेक्स्ट टाइम से दरिन को अगर खुद से पढ़ना है तो यू शुड बी एबल टू रीड इट और योर सेल्फ. ओके सो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एलिजिबल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मल्टीपल एंट्री एंड लाइफ लॉन्ग वीजा. देखिए तो वीजा के काफी सारे रूल्स होते हैं. जो इंडियन ओरिजिन का बंदा है अगर और अगर वो इफ एंड ओनली वो ओसीआई कार्ड होल्डर है देन ओनली ही इज एंटाइटल टू मल्टीपल एंट्री एंड लाइफ लॉन्ग वीजा. अगर वो अप्लाई करता है तो ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैव पार्टीज विद एनआरआईज इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल फील्ड्स एक्सेप्ट इन एक्वायरिंग एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी. वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकता या एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी भी तरह से वो एंगेज नहीं हो सकता. सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई. पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते. सम ऑफ द रिसेंट रिलैक्सेशंस गिवन टू ओसीआई कार्ड होल्डर्स वो कौन से हैं? चिल्ड्रन एंड स्पाउस ऑफ फॉरेन और मिलिट्री पुलिस पर्सनल इधर इन सर्विस और रिटायर्ड हैव बीन मेड एलिजिबल फॉर बीइंग कंसीडर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन. ओके तो ये सारे जो जो है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने अभी तक आपको दिए है. जो कि इंडियन ओरिजिन का इंसान होगा और वो ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए अप्लाई करता है तो उसको ओसीआई कार्ड ग्रांट कर दिया जाएगा. देखिए इसकी जो फाइनल अथॉरिटी होगी कि किसको ओसीआई कार्ड दिया जाएगा या किसको ओसीआई कार्ड नहीं दिया जाएगा, तो जो फाइनल अथॉरिटी होगी वो फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस और इंडियन मिशन के जो अधिकारी है उनके जो ऑफिसर्स है उनके पास होगी. ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है रायसीना डायलॉग. दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके वैसे तो सारे ही जो टॉपिक्स होंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे, बट दीज आर सम हाईलाइटेड टॉपिक्स. व्हाई हाईलाइटेड टॉपिक्स? चलिए वो मैं आपको समझाता हूँ. रायसीना डायलॉग. अब क्या है रायसीना डायलॉग? तो अगर इन सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊं तो रायसीना डायलॉग इंडिया ने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है टू एंगेज मल्टीपल इंटरनेशनल एंड नेशनल पर्सनालिटीज इन डिफरेंट टर्म्स. अब क्या होगा, देखिए 2014 तक क्या होता था कि इंडिया को काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे या तो कम बुलाया जाता था या तो बुलाया ही नहीं जाता था. आफ्टर दी 2014 इंडिया का कद बढ़ा. अब देखिए क्यों बढ़ा? नॉट बिकॉज के नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, बट बिकॉज कि 30 साल बाद आफ्टर 30 ईयर्स इंडिया को प्योर मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट मिली. अब क्या मतलब है इसका पॉलिटिकल सिनारियो में? प्योर मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट मिलने से अगर गवर्नमेंट जो रिफॉर्म्स करना चाहे वो काफी आसानी से कर सकेगी. कोएलिशन गवर्नमेंट में ये पॉसिबल नहीं था. अब जैसे ही हमने रिफॉर्म करना स्टार्ट किया, जीएसटी लाए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट लाए, ओके डीमोनेटाइजेशन लाए, तो ये सारी चीजें कब पॉसिबल हो पाई? क्योंकि हमारे पास एक ही पार्टी के पास 273 प्लस इज अवर मेजोरिटी मार्क. तो 273 से जैसे ही किसी पार्टी के पास मेजोरिटी आई, सीट्स आई लोकसभा की, वो गवर्नमेंट स्ट्रांग मानी जाएगी, वो कोई भी फैसला लेना चाहे तो ले सकती है. तो 2016 से ये रायसीना डायलॉग स्टार्ट किया गया. क्यों? क्योंकि इंडिया ने सोचा कि भाई काफी मेहमान नवाजी हमने लोगों के यहां जाके कर ली, नाउ इट इज अवर टर्न टू बिकम अ वर्ल्ड लीडर. अब इंडिया ने स्टार्ट किया कि भाई हम भी साइंटिस्ट को बुलाएंगे, हम भी एकेडेमिशियन को बुलाएंगे फ्रॉम दी वेरियस कंट्रीज, हम भी इकोनॉमिस्ट को बुलाएंगे, और इंडिया के और रीजनल जो प्रॉब्लम है, इंडिया नेशनल के सार्क कंट्रीज के जो एशियन पैसिफिक कंट्रीज के जो इश्यूज है, इसके साथ साथ वर्ल्ड में अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं जिसको इंडिया टैकल कर सकता है या कैसे टैकल किया जाना चाहिए, उन सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए रायसीना डायलॉग स्टार्ट किया गया. नाउ व्हाई द नेम रायसीना वाज चूजन? ओके आपको पता होना चाहिए कि भाई रायसीना आपने कहीं तो सुना है. तो रायसीना क्या है? रायसीना वेयर एवर राष्ट्रपति भवन अवर प्रेसिडेंट इज रिसाइडिंग. ओके तो जहां पे हमारे प्रेसिडेंट जो रहते हैं उनका जो घर है वो कहां पे बना हुआ है? दिल्ली के रायसीना एरिया में. ओके रायसीना हिल का आपने अगर नाम सुना हो तो देखिए यहां पे अगर फोटो में आप अगर पीछे देख रहे हो इसका जो सिंबल है रायसीना डायलॉग का, वो भी एग्जैक्टली प्रेसिडेंट हाउस को, राष्ट्रपति भवन की
इमेज लेके यहाँ पे बनाया गया है, एंड दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन रायसीना। ओके चलिए, और यहाँ पे जो फोटोज में आपको दिख रहे हैं काफी सारी नोन पर्सनालिटीज है, एक बार आपको उसके नाम पता करने हैं। देखिए ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो तो सारी नोन पर्सनालिटीज ही है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। ओके बाकी के नाम पता ना, दैट इज फाइन। द फिफ्थ एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग इज बीइंग हेल्ड इन दिल्ली, एंड दिस इज द फर्स्ट एडिशन वॉज हेल्ड इन 2016। तो ये जो था वो पांचवा 2020 का जो एडिशन था वो फिफ्थ मीटिंग थी। द टाइटल ऑफ रायसीना डायलॉग दिस ईयर इज नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। तो इसको डायलॉग कह लीजिए, थीम कह लीजिए, दैट इज वन एंड दी सेम थिंग। ओके चलिए, तो इस 2020 की जो थीम थी वो आपको याद कर लेनी है, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। The conference will host 700 participants from more than 100 countries and at least 40% of the speakers will be women. तो ये भी एक उसका यूनिक बात थी कि भाई लगभग 40% जितनी जो स्पीकर्स थे, स्पीकर्स का मतलब है जो एड्रेस करने वाले थे समिट को, वो 40% ऑफ द स्पीकर्स वर वुमन। द डायलॉग हैज बीन इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल एफर्ट्स टू डिस्कवर सॉल्यूशंस, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू अ सेंचुरी दैट हैज विटनेस्ड एन इवेंटफुल टू डेकेड्स। तो 2020 आते आते तक हम काफी ऊपर नीचे होती हुई चीजें देख चुके हैं, तो इंडिया अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहता है टू द ग्लोबल एफर्ट्स टू रिजॉल्व द इश्यूज। A session will be held on the Indo-Pacific, including military or naval commanders from the quadrilateral or quad countries. तो इस बार का एक यूनिक चीज ये भी थी कि क्वाड कंट्रीज जिसमें इंक्लूडेड है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ओके तो देखिए क्वाड कंट्रीज का जो फॉर्मेशन था वो 2007 में हुआ था, बट ये काफी अभी पैसिव तरीके से काम कर रहा है, या तो आप ये भी कह सकते हैं कि काम ही नहीं कर रहा है। 2017 आफ्टर द ट्राई ऑफ आफ्टर द एफर्ट्स ऑफ जापान प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, ये ग्रुप वापस एक बार उसमें जान आ गई। ओके वापस एक बार ये ढंग से काम करना स्टार्ट किया है टू काउंटर चाइना। ओके तो उसी के लिए डिस्कस करने के लिए 2020 में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के नेवल कमांडर्स को भी बुलाया गया। क्यों नेवल कमांडर्स को बुलाया गया, क्यों? क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना का जो प्रभुत्व है, चाइना की जो दखलगिरी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, उसको काउंटर करने के लिए ये चीज बनाई गई। और साथ साथ फ्रेंच के डिफेंस ऑफिशियल्स को भी बुलाया गया। पिछली बार जो समिट हुई थी, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, याद कर लीजिए 2019 की G7 समिट कहां पे हुई थी, चलिए मुझे बताइए कमेंट में। यस, तो 2017 की G7 समिट हुई थी बियारिट्ज नाम के शहर में जो कि है फ्रांस में, क्योंकि उस टाइम G7 समिट का होस्ट कौन था, फ्रांस था। उस टाइम पे फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने एज ए स्पेशल इनवाइट इंडिया को, नरेंद्र मोदी को एड्रेस करने के लिए इनवाइट किया था, उसका हमने यहां पे बदला चुका दिया। क्यों? क्योंकि उनके डिफेंस ऑफिशियल को भी हमने यहां पे इनवाइट कर लिया। तो ये उसकी इस बार की यूनिक चीज थी। अब क्या है रायसीना डायलॉग, इट इज अ मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस कमिटेड टू एड्रेसिंग द मोस्ट चैलेंजिंग इश्यूज फेसिंग द ग्लोबल कम्युनिटी। एवरी ईयर ग्लोबल लीडर्स इन पॉलिसी, बिजनेस, मीडिया एंड सिविल सोसाइटी आर होस्टेड इन न्यू दिल्ली टू डिस्कस ऑपरेशन ऑन अ वाइड रेंज ऑफ पर्टिनेंट इंटरनेशनल पॉलिसी मैटर्स। The dialogue is structured as a multi-stakeholder, cross-sectoral discussion involving head of the state, cabinet ministers and local officials, as well as major private sectors, executives, members and the media or academics are also involved. Okay, तो university के deans को बुला लिया, media के जो representative है उनको बुला लिया, प्राइवेट सेक्टर के जो रिप्रेजेंटेटिव उनको भी ले लिया, ताकि वो भी अपने इनपुट दे पाए और जो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जा सके। द कॉन्फ्रेंस इज होस्टेड बाय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ओके ये दिल्ली बेस्ड एक एनजीओ काइंड ऑफ संस्था है, एजेंसी है, जिसके साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ओके द जॉइंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जॉइंटली मैनेजेस द एंटायर रायसीना डायलॉग। ओके कब कौन कीनोट स्पीकर होगा, कैसे पूरा इवेंट को होस्ट किया जाएगा, ये सारी चीजें ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन फुलफिल करेगा। ओके आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वन एक्स्ट्रा स्टफ, ऑन बेस ऑफ रायसीना डायलॉग नेपाल ऑल्सो हैज स्टार्टेड वन डायलॉग।
ओके, और वन समिट, उसका नाम है सागरमाथा डायलॉग। तो फॉर योर होमवर्क आपको सागरमाथा डायलॉग के बारे में पढ़ देना है, और मुझे आपको बताना है कि भाई सागरमाथा नाम क्यों दिया गया है। रायसीना का जस्टिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि भाई रायसीना डायलॉग क्यों दिया गया है। अब सागरमाथा डायलॉग के लिए 2020 में मोदी को इन्वाइट किया गया था। अब नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, ओके, काला पानी और लिंपिया धूरा में, ओके। सो आने वाले जो आपके क्वेश्चंस होंगे पेपर, उसमें नेपाल और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वो भी आप साथ साथ इसके साथ पढ़ना है आपको, ओके। वो मैं कवर करूंगा अपने हमारे आने वाले लेक्चर्स में। चलिए, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जोड़ सकते हो अपने आर्ट एंड कल्चर के सब्जेक्ट के साथ, ओके। तो वेस्ट बंगाल के मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में हमें कुछ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज मिली है, ओके। उसके एग्जांपल्स देखिए, मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दिए होंगे, इस टाइप की बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री वहां पे पाई गई है, ओके। और जो जगह पे जो ये मिली है उसका नाम है मुगलमारी, मुगलमारी नाम के एक साइट है, वहां पे ये बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज हमें मिली है। चलिए, रिसेंटली अ स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑन क्ले टेबलेट एक्सकेवेटेड फ्रॉम मुगलमारी हैव कंफर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ टू मॉनेस्ट्रीज। तो ऐसी दो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज मिली है जिनका नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। मुगलमारी इज अ बुद्धिस्ट मोनेस्टिक साइट ऑफ द अर्ली मेडिएवल पीरियड इन वेस्ट बंगाल पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट। तो एक तो आपको देखिए वेस्ट बंगाल स्टेट याद रखना है, पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, और हिस्ट्री में आप जब मेडिएवल पीरियड पढ़े होंगे तभी भी शायद आपने ह्यूएन सांग के बारे में सुना होगा। नाउ हु वाज ह्यूएन सांग? तो ह्यूएन सांग वाज चाइनीज टूरिस्ट, ओके, जो कि इंडिया में आए थे इन 7th सेंचुरी, ओके। तो 7th सेंचुरी में उन्होंने इंडिया का काफी इंडिया में काफी जगह वो घूमे थे, और उन्होंने पूरा एक डॉक्यूमेंट लिखा था उसके ऊपर, ओके। और वहां से हमें ये जानने को मिलता है कि भाई हाँ, यूएन सांग ने भी इस कुल टोटल 10 मोनेस्ट्रीज के बारे में हमें बताया था, ओके। और वो 10 मोनेस्ट्रीज जो है वो कहाँ थी वो उन्होंने नहीं लिखा था, तो हो सकता है कि ये जो दो मोनेस्ट्रीज मुगलमारी में मिली है उसको हम उसके साथ लिंक कर सकते हैं विद द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ यूएन सांग हु वाज द चाइनीज ट्रैवलर, ओके। चलिए, प्रेजेंस ऑफ टू मोनेस्ट्रीज, और कौन सी मोनेस्ट्रीज है, वो है मुगल इका विहारिका। तो पहली जो मोनेस्ट्रीज है उसको नाम दिया गया है मुगल इका विहारिका, और दूसरी जो मोनेस्ट्रीज है उसको नाम दिया गया है यज्ञ पिंडी का महाविहारा, मुगल इका विहारिका एंड यज्ञ पिंडी का महाविहारा, ओके। 6 tiny fragments ऑफ इंस्क्राइब सील्स फाउंड कंटेन अ सेट ऑफ लेटर्स अकम्पनीड बाई द डीर धर्म चक्र सिंबल्स। तो लेटर्स पाए गए हैं, और लेटर्स किस लिपि में लिखे गए हैं, कौन सी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, तो वो लेटर्स लिखे गए हैं इंडियन ब्राह्मी एंड सिद्ध मत्रिका स्क्रिप्ट। द फर्स्ट नेम ऑफ द सील्स यज्ञ पिंडी का महाविहारिका इंप्लाइज एटिमोलॉजिकली अ प्लेस ऑफ सेक्रीफिशियल ऑफरिंग। तो जहां पे जो बुद्धिस्ट जो मोनार्क थे जो प्रे करते थे उस जगह से इसको नाम दिया गया है यज्ञ पिंडी का महाविहारा। एंड द सेकेंड नेम ऑफ द सील्स मुगल का विहारिका बेयर्स द फोनेटिक रिजेंबल्स टू द मॉडर्न नेम ऑफ मुगलमारी। तो इसी की वजह से उसको मुगलमारी के साथ रिजेंबल करने के लिए उसको मुगल का विहारिका नाम दिया गया था उस टाइम पे। द मोनेस्ट्रीज एट मुगलमारी डेट फ्रॉम द 6th सेंचुरी CE वर फंक्शनल अंटिल 12th सेंचुरी CE। The presence of two monasteries dating to the same period within a single compound is unique in Eastern India. Okay? और जैसे हर धर्म के अपने अपने rituals होते हैं, हर धर्म के अपने अपने stages होते हैं, right? तो उसी तरह से Buddhist monasteries have a different hierarchy like Mahavihara, Vihara and Viharika. Okay? So पहले Viharika, उसके ऊपर Vihara and then Mahavihara. ओके, सो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, वेस्ट बंगाल याद रखना है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री याद रखनी है, यूएन सांग याद रखना है, और मुगलई का विहारिका एंड यज्ञ पिंडी का महाविहारा, इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ओके। और कौन सी स्क्रिप्ट है वो भी आपको देखिए, अगर हार्ड लेवल निकालना है तो स्क्रिप्ट भी आपको पूछी जा सकती है कि भाई कौन से लेटर में स्क्रिप्ट मिले, कौन से स्क्रिप्ट में वहां पे लेटर लिखे हुए मिले थे। तो दैट इज नॉर्थ इंडियन ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड अर्ली सिद्धमत्रिका स्क्रिप्ट, ओके। तो इंडियन ब्राह्मी एंड सिद्धमत्रिका स्क्रिप्ट। चलिए, आपको मुझे बताना है कि हिंदी लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, ओके, वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है।
ओके हमें पता है कि भारत रत्न जब हमने पढ़ा था, ओके कि भाई भारत रत्न का क्या हिस्ट्री है, क्यों दिया जाता है, किसको दिया जाता है, तब हमने हिंदी स्क्रिप्ट के हिंदी लैंग्वेज के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बात की थी। तो वो आपको मुझे बताना है कि भाई व्हाट इज द स्क्रिप्ट दैट इज एसोसिएटेड विथ हिंदी लैंग्वेज। चलिए, एंड इसमें साथ साथ गुजराती लैंग्वेज भी जोड़ दीजिए, दैट इज ऑल्सो फाइन। दोनों की स्क्रिप्ट कौन सी है वो मुझे आपको बताना है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू मैनुअल स्कैवेंजिंग इन इंडिया, और इसको आप अपने सोशलिज्म के सब्जेक्ट के साथ जोड़ सकते हो। ओके, सोशलिज्म के सब्जेक्ट के साथ जोड़ सकते हो। द सेंट्रल मॉनिटरिंग, देखिए पहले तो मैनुअल स्कैवेंजिंग होता क्या है, आप रास्तों पे जब निकलते हो अपनी गाड़ी लेके तो काफी सारी गटर बनी हुई देखते हो। अब बारिश आने से पहले उन गटर्स को मैन्युअली साफ किया जाता है। अब आप और मैं तो उतर नहीं रहे वहां पे, तो कौन से जो इंसान है जो उसमें उतर रहे होंगे। ओके, तो वो जो प्रोसेस है कि मैन्युअल तरीके से, मैन्युअल एफर्ट्स से जो नदी नाले हैं, ओके जो गटर्स है आपके, वो साफ किए जाते हैं। सो उनमें जो लोग जुड़े हुए, दैट इज नोन एज मैन्युअल स्कैवेंजिंग। ओके, और इसको सुप्रीम कोर्ट 2013 में बैन कर चुका है, बट फिर भी आज अगर आप देखोगे तो हम मैन्युअली तरीके से, लोग किसी इंसान को गटर में गंदगी में उतरना पड़ता है, और गंदगी में उतरना पड़ता है, चलिए वो चला आ रहा है उसको हम, दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली रॉन्ग, बट क्योंकि हमारे पास मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं है उसको हम उतार कर रहे विदाउट एनी प्रोटेक्शन गियर। ओके, वो ऐसे एकदम हजार्डस केमिकल वाले गटर में जब जाएगा उसकी बॉडी को, उसकी हेल्थ को काफी नुकसान हो सकता है, बट गवर्नमेंट उसके लिए भी कोई प्रोटेक्शन गियर उसको प्रोवाइड नहीं करती। हमारी गवर्नमेंट जो है वो इतनी पैसिवली इस सब्जेक्ट को ले रही है। ओके, तो चलिए इसी के बारे में आपको हमें पढ़ने की रिपोर्ट आई है, तो उसी की वजह से ये न्यूज में है। द सेंट्रल मॉनिटरिंग कमिटी टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 हैज मेंशनड दैट मेनी स्टेट्स आर लैगिंग बिहाइंड द रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। तो देखिए, ये जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई थी उसके बाद ये एक्ट बनाया गया था, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन। तो पहले तो मैनुअल स्कैवेंजर्स को टोटली प्रोहिबिट कर देना है, प्रतिबंधित कर देना है, और उसके बाद उनका रिहेबिलिटेशन भी करना है। रिहेबिलिटेशन क्यों करना है, क्योंकि जब मैं गटर साफ करने का काम कर रहा हूं तो मैं क्यों गटर साफ करने का काम कर रहा हूं, जब मेरे पास पढ़ाई नहीं है, मैं इतना गरीब हूं। तो अगर सडनली अगर उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो मैं अपने अपना फैमिली को कैसे सस्टेन कर पाऊंगा। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मुझे कुछ और स्किल प्रोवाइड करवाए और मुझे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एंगेज करे कि 2 महीने 4 महीने बाद मैं और कोई रेप्यूटेड जॉब ले पाऊं। ओके, दो द मोस्ट ऑफ द सीवर डेथ कंपनसेशन हैज बीन पेड बट स्टेट्स लाइक गुजरात महाराष्ट्र इज येट टू पे द कंपनसेशन। देखिए, और गुजरात महाराष्ट्र आर द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स इन इंडिया, और वहां पे भी ऐसी सिचुएशन है कि उन्होंने जो कंपनसेशन है मैनुअल स्कैवेंजर्स की जो डेथ हो गई है उनके कंपनसेशन भी हमारी गवर्नमेंट्स ने प्रोवाइड नहीं किया है। ओके, तो देखिए ये रिपोर्ट आई थी। ओके, और इस रिपोर्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी, ओके ये एक प्रकार की स्टेच्यूटरी बॉडी थी जब ये बनी थी, उसके बाद इसको नॉन स्टेच्यूटरी बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया है। ओके, सो एंगेज वर्कर्स कितने थे, टोटल 53,598 पीपल वर एंगेज इन मैनुअल स्कैवेंजिंग फील्ड। तो मतलब पूरे देश में लगभग 53,000 लोग ऐसे हैं जिनको कभी ना कभी गटर में उतरना पड़ता है और जो गंदगी है उसको साफ करना पड़ता है। अगर वो लोग ये काम छोड़ देंगे तो क्या होगा, नदी नाले भर जाएंगे, बारिश के सीजन में फ्लड की सिचुएशन हो जाएगी। ओके, 1 mm 2 mm बारिश उसी में आपके रस्ते पे पानी भर जाएंगे और पूरा शहर का जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा, और उससे काफी सारी बाकी की समस्या भी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, चलिए, सो और उसमें से मेजॉरिटी जो
लोग थे, मेजोरिटी जो परसेंटेज है वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट 20 ऑलमोस्ट 30,000 जितने लोग सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। ओके देखिए इस रिपोर्ट के हिसाब से, जो मैंने यहाँ पे पिक्चर आपको दिया हुआ है, उस रिपोर्ट के हिसाब से मैनुअल स्केवेंजिंग का काम करते करते सबसे ज्यादा डेथ हमें देखने को मिली तमिलनाडु में, और सेकेंड नंबर पे आता है गुजरात, फॉलोड बाय महाराष्ट्र। तो देखिए तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र, ये तीनों ही स्टेट ऐसे हैं जो डेवलप्ड स्टेट माने जाते हैं। ओके विद कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स, वहां पर भी ऐसे ऐसे सिचुएशन है, तो आप बाकी के स्टेट में क्या सिचुएशन होगी वो आप देख सकते हैं। ओके अब तमिलनाडु ने कंपेंसेशन पे कर दिया, जिनकी डेथ हो गई उनके फैमिलीज को एज पर दी नॉर्म्स कंपेंसेशन पे करा दिए गए, बट गुजरात हैज दी हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस वेर दी कंपेंसेशन अमाउंट वॉज नॉट पेड, फॉलोड बाय महाराष्ट्र। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए सबसे ज्यादा डेथ हुई गुजरात में, सॉरी सबसे ज्यादा डेथ हुई तमिलनाडु में, फॉलोइंग बाई गुजरात 234 एंड गुजरात में 162। बट कंपनसेशन के मामले में, कंपनसेशन ना चुकाने के मामले में, पे ना करने के मामले में कौन सबसे आगे है, गुजरात सबसे आगे है। ओके चलिए, और दूसरा ऐसा कौन सा स्टेट है जिन्होंने अभी तक कंपनसेशन नहीं चुकाया है, दैट इज महाराष्ट्र। ओके चलिए अब थोड़ी बात करते हैं नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारीज के बारे में। द नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारीज, जिसको शॉर्टली कहा जाता है NCSK, वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 12th of August एज ए स्टेच्यूटरी बॉडी। ओके तो NCSK को स्टेच्यूटरी बॉडी के तौर पे बनाया गया था, वैधानिक संस्था के तौर पर उसको एस्टेब्लिश किया गया था 12 अगस्त 1994 को। अंडर विच एक्ट, अंडर नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज एक्ट 1993। अब फेब्रुवरी 2004 में नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारीज एक्ट को क्या कर दिया गया, लैप्स कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 का चल रहा था, उस टाइम पे ड्राफ्ट ऑलरेडी हमारे पास चल रहा था। ओके सो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज एक्ट 1993 को लैप्स कर दिया गया, और वो जो बॉडी थी NCSK की जो बॉडी थी उसको शिफ्ट करके कहां लाया गया, उसको लाया गया नॉन स्टेच्यूटरी बॉडी बना दी गई, और लाया गया उसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंदर आज वो काम करता है, और गवर्नमेंट टाइमली मैनर पे उसका जो टेन्योर है, उसकी जो समय सीमा है, उसको क्या करती है, बढ़ाती रहती है। ओके चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी। अब देखिए थोड़ी एक्स्ट्रा स्टेप मैं आपको बता देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, थोड़े ताकि आप जो टॉपिक है उसको सही से समझ पाओ। एक सेइंग है ओके कि हर दलित सफाई कर्मचारी नहीं होता, बट हर सफाई कर्मचारी दलित होता है। ओके समझने की ट्राई कीजिए, हर दलित जो है वो सफाई कर्मचारी नहीं होता, बट हर सफाई कर्मचारी दलित ही होता है। तो ये क्यों ऐसे सिचुएशन बन गई है? तो जो सदियों से भारत में जो जाति प्रथा चली आ रही, जो कास्टिज्म चला आ रहा है, कास्ट सिस्टम, उसकी वजह से हमारे दिमागों में, आपके और मेरे दिमागों में एक बात घर कर गई है कि भाई कचरा उठाने का काम तो कौन करेगा, दलित करेगा। और इसी वजह से आज हमारे पास हर जगह पर मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, बट इंडिया अभी भी वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वी स्टिल लिव इन दैट कास्ट सिस्टम, और इसी की वजह से आज जब भी आप कोई सफाई कर्मचारी से पूछोगे तो वो आपको दलित मिलेगा। इसको जल्द से जल्द हमें खत्म करने की जरूरत है। ओके सुप्रीम कोर्ट काफी बार गवर्नमेंट को फटकार लगा चुका है कि भाई आपके पास इतना पैसा है, करप्शन में आप इतना पैसा वेस्ट कर रहे हो, बाकी सारा फालतू का खर्चा कर रहे हो, उसकी जगह आपको क्या करना चाहिए, ऐसे मशीनरी खरीदिए कि जो गटर्स को ऑटोमेटिकली साफ कर पाए, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज कर रहे हैं। ओके तो वैसी चीजें आपको करनी चाहिए। देखना है कि वैसा कब होता है। दिल्ली जो स्टेट है, तो दिल्ली ये चीज को इंप्लीमेंट धीरे धीरे कर चुका है। ओके आफ्टर दी न्यू गवर्नमेंट। ओके तो आई
वी शुड होप कि भाई बाकी सारे जो स्टेट है वो भी मैनुअल स्कैवेंजिंग को फुल्ली ऑटोमेट कर दे, ताकि जो दलित लोग हैं उनको इससे मरना ना पड़े। ओके चलिए, अब प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। तो ये क्या कहता है, द एक्ट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स। अगर जरूरी हो इन रेयर केसेस तो उनको प्रोटेक्टिव गियर्स प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, ओके, और सैनिटरी लैट्रिन्स भी प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, ओके। उनका रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, इट सीक्स टू रिहैबिलिटेट मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड प्रोवाइड फॉर देयर अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, ओके। इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन सी होगी, ईच लोकल अथॉरिटी कंटेनमेंट बोर्ड एंड रेलवे अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग इन सैनिटरी लेटरीन्स विद इन इट्स ज्यूरिडिक्शन। दे शेल ऑल्सो कंस्ट्रक्ट अ नंबर ऑफ सैनिटरी कम्युनिटी लेटरीन्स, ओके। सो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या रेलवे के जुड़े जो लोग है तो अपने अपने रीजन के हिसाब से उनको इस एक्ट को अपने अपने एरिया में अप्लाई करवाना पड़ेगा, ओके चलिए। नेक्स्ट जो चीज है आर्टिफिशियल ह्यूमंस नियोज, और इसको आपको जोड़ना है अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट के साथ, ओके। क्यों साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट के साथ जोड़ना है, अभी आपको पता चलेगा कि भाई क्या टेक्नोलॉजी यहां पे यूज हुई है और हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये जो आर्टिफिशियल ह्यूमन है वो जिस टीम ने बनाया उस टीम को हेड कर रहे थे प्रणव मिस्त्री, जो कि इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट है, ओके, इंडिया बॉर्न साइंटिस्ट है। और एग्जामिनर को काफी ऐसी चीजें पसंद आती है कि इंडियन बॉर्न अगर कोई है तो एक सवाल आपको डायरेक्टली इसके तरफ से पूछा जा सकता है, ओके चलिए। तो एक 2020 में लास वेगास में एक समिट हुई थी, या तो कह लीजिए कि एग्जीबिशन हुआ था, ओके। नियोन वॉज द मोस्ट डिस्कस्ड न्यू कॉन्सेप्ट एट द एनुअल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो। तो इस शो में सबसे ज्यादा जो बात हुई वो नियोन की हुई। अब नियोन क्या है, सो नियोन है इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट्स, ओके, इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट्स, जिसको नाम दिया गया है न्यू ह्यूमन, ओके। न्यू ह्यूमन क्यों नाम दिया गया है, विच कंप्राइजेस ऑफ नियो ह्यूमन, ओके। देखिए मैंने आपको यहां पे नीचे बाजू में फोटो दिया हुआ है, ओके। तो डिट्टो इंसानों के जैसे लिखने वाले, वो इंसानों के जैसे हंस सकते हैं, रो सकते हैं, बोल सकते हैं, ओके, बाकी और काफी सारी चीजों में वो रिएक्ट कर सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो ये आने वाले सालों की रियालिटी बनने वाली है, ओके। और ये क्रिएट किसने किया है, नियोन बीइंग कॉल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल ह्यूमन हैव बीन क्रिएटेड बाय सैमसंग स्टार लैब्स हेडेड बाय प्रणव मिस्त्री एन इंडिया बॉर्न साइंटिस्ट, ओके। तो सैमसंग की एक सब्सिडियरी है स्टार लैब्स, ओके, तो उसके डिपार्टमेंट को हेड कर रहे थे प्रणव मिस्त्री, तो उनकी टीम ने इसको अंजाम दिया, तो अपने लिए वो याद रखना है, ओके, फॉर न्यू वर्चुअल ह्यूमंस। और देखिए इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, वो टेक्नोलॉजी का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। आप जो अगर आईफोन यूज कर रहे हो या गूगल यूज कर रहे हो, ओके, तो आप आईफोन में जैसे आस्क सीरी का एक फीचर है कि सीरी को आप कुछ भी बोलोगे सीरी आपको ढूंढ के रिस्पॉन्स देगी, तो दैट इज दी टेक्नोलॉजी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड सेम इन गूगल, फाइंड गूगल करके जो फीचर है, राइट। अ वर्चुअल ह्यूमन कैन हैव अ सीजी बॉडी एंड अ कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस ऑल्सो एंड कंप्यूटर एम्पावर्ड सेंसेस। वर्चुअल ह्यूमन कैन बी अप्लाइड इन वेरियस डोमेन्स सच एज एजुकेशन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ट्रेनिंग एंड सेल्स, ओके। और सैमसंग देखिए कहां की कंपनी है, सैमसंग है दक्षिण कोरिया की कंपनी, तो साउथ कोरिया और जापान, अब ये भी ऐसी कंट्रीज है जो हमेशा टेक्नोलॉजी वाइज पूरी दुनिया को लीड करते हैं, वो हमसे 20 साल आगे चलते हैं, ओके। तो उन्हीं की वजह से आज हमें ये नियोन जो कि न्यू रोबोट है वो हमें देखने को मिला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो फुल्ली ऑटोनोमस होगा, शोइंग इमोशन, वो इमोशन एक्सप्रेस कर सकेगा, नई नई चीजें सीख सकेगा, आपको सिखा सकेगा, मेमोरी क्रिएट कर सकेगा एंड बीइंग इंटेलिजेंट ऑन देयर ओन, ओके। तो ये सारी चीजें आने वाले सालों में नॉर्मलाइज होती हुई हमें दिखेगी, ओके चलिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज ताल वोल्केनो,
ओके अब देखिए ताल वोल्केनो कहाँ देखा गया, कहाँ इरप्ट हुआ, वो कहाँ एक्टिव हुआ, वो हुआ मनीला के फिलीपींस में, ओके जो कि है मनीला के फिलीपींस से 50 किलोमीटर दूर लुजोन आइलैंड्स करके एक जगह है, आइलैंड ऑफ लुजो, ओके तो वहां पे ये इरप्ट होता हुआ दिखा और काफी समय से ये पैसिव मोड में पड़ा हुआ था और ये अनएक्सपेक्टेडली अनप्रेडिक्टेबली ये क्या हो गया, इरप्ट हो गया, ओके सो द वॉल्केनो कॉल्ड ताल, अ वॉल्केनो कॉल्ड ताल ऑन द आइलैंड ऑफ लुजो 50 किलोमीटर फ्रॉम मनीला फिलीपींस, मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस, इरप्टेड ऑन 12th जनवरी 2020 और पूरे आकाश में इसकी वजह से जो राख होती है वो फैलती हुई हमें दिखी। कंपाउंड वॉल्केनो था ये, ताल इज क्लासिफाइड एज अ कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो बाय द फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वॉल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी। यहां मैंने आपको देखिए फिलीपींस का मैप दिया हुआ है तो आपको पता चलना चाहिए कि इट इज अ आइलैंड कंट्री, ओके काफी सारे छोटे मोटे आइलैंड बनाकर फिलीपींस कंट्री बना है। अ कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंपाउंड वॉल्केनो इज डिफाइंड एज वन ऑफ द डजंट हैव जस्ट वन मेन वेंट और कोन बट सेवरल इरप्शन पॉइंट। अगर एक वॉल्केनो के देखिए वॉल्केनो जनरली आपने मूवीज में देखा होगा कैसे बड़ा सा पहाड़ होगा, यहां पे उसका इरप्शन पॉइंट होगा और यहां पे वो इस तरह से होगा, तो अगर जब वो इरप्ट होगा तो यहां का जो लावा होगा वो यहां से इरप्ट होगा, तो ये हो गया आपका सिंपल वॉल्केनो। अब कंपाउंड वॉल्केनो क्या होगा कि एक इरप्शन पॉइंट की जगह आपको काफी सारे इरप्शन पॉइंट मिलेंगे, यहां से भी वो इरप्ट हो सकता है, यहां से भी इरप्ट हो सकता है, यहां से भी इरप्ट हो सकता है, तो दैट इज कंपाउंड वॉल्केनो एंड यू कैन नॉट प्रिडिक्ट के जो लावा है वो कहां से बाहर निकलेगा, यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, ओके अभी अनप्रेडिक्टेबल क्यों था, ताल हैज इरप्टेड मोर देन 30 टाइम्स इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज एंड द मोस्ट रिसेंट वाज 1977। तो देखिए पिछले 30-35 सालों से तो ये ऑलमोस्ट डेड पड़ा हुआ था, अचानक से वो क्या हुआ, इरप्ट हो गया। इट नीड्स टू बी नोटेड दैट फिलीपींस इज सिचुएटेड एट द बाउंड्रीज ऑफ टू टेक्टोनिक प्लेट्स, द फिलीपींस सी प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट, दस ससेप्टेबल टू अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिज्म। ओके तो जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि भाई जो पूरी पृथ्वी है वो एक सिस्मिक प्लेट्स पे अलग अलग सिस्मिक प्लेट्स के जुड़ने से बनी हुई है, और इसी तरह भारत में जो नोएडा और दिल्ली वाला जो इलाका है, नोएडा दिल्ली और हरियाणा, तो वहां पे आए दिन छोटे मोटे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, क्यों, क्योंकि वो जो पूरा इलाका है वो भी एक दो सिस्मिक प्लेट के मर्जर पे बना हुआ है और इसलिए थोड़ा भी अगर सिस्मिक प्लेट फ्रैक्शन में भी अगर उसमें मूवमेंट होता है तो वहां पर छोटे मोटे अर्थक्वेक आए दिन आपको फेस होते रहेंगे। चलिए और एक ट्रेंड और एक रिपोर्ट आई है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से, EIU की तरफ से, जो टॉप 10 फास्टेस्ट कंट्रीज को लिस्ट आउट करती है। तो टॉप 10 में इंडिया के 3 सिटीज को रैंकिंग मिली और तीनों जो है वो बिलोंग करते हैं टू द स्टेट ऑफ केरला। और इसमें पहला ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सबसे फास्टेस्ट सिटी है वो है मलप्पुरम इंडिया विथ द स्कोर ऑफ 44.49। दूसरा जो सिटी है जो कि हैर ऑन रैंक नंबर 4 दैट इज कोझिकोड इंडिया 34.5 दैट इज इनटू केरला एज वेल। एंड जो तीसरा सिटी है इन टॉप 10 दैट इज कोल्लम इंडिया ऑन रैंक नंबर 10 विद द स्कोर ऑफ 31.1। आपको इन तीनों के स्कोर्स याद रखने हैं, केरला याद रखना है और तीनों के नाम याद रखने हैं, मलप्पुरम कोझिकोड एंड कोल्लम। रिसेंटली द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट सर्वे रिलीज द रैंकिंग ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्बन एरियाज अक्रॉस द वर्ल्ड विच फीचर्स 3 सिटीज फ्रॉम केरला अमंग टॉप 10। और ये जो फोरकास्ट बनाया गया है वो फोरकास्ट बनाया गया है 2015 से 2020 पांच सालों के लिए। फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2015 टू 2020 मलप्पुरम कोझिकोड एंड कोल्लम विद द रिस्पेक्टिव परसेंटेज फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी के तौर पर हमें देखने को मिले और बाकी जो सिटीज है वो चाइना के हैं, नाइजीरिया के और वियतनाम से हैं। त्रिशूर केरला इज 13th पोजिशन, तिरुपुर तमिलनाडु इज 13th रैंक। चलिए अब केरला के क्यों तीनों सिटीज फास्टेस्ट ग्रोइंग की
रैंकिंग में आए, क्योंकि जो अर्बनाइजेशन है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन जो विलेज से कहाँ होता जा रहा है, टाउन में होता जा रहा है। ओके, छोटे गांव से लोग एग्रीकल्चर को छोड़कर एम्प्लॉयमेंट की खोज में सिटीज में सेटल होने जा रहे हैं। ओके, केरला हैज अ लो फर्टिलिटी रेट विच मीन्स द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ मलप्पुरम एंड अदर सिटीज इज नॉट बिकॉज वुमेन आर हैविंग मोर चिल्ड्रन बट बिकॉज मोर विलेजेस आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टाउन्स एंड सिटी बॉर्डर्स आर एक्सपांडिंग। तो जो मलप्पुरम की जो एक्सपेंशन हो रही है वो क्यों हो रही है, ऐसा नहीं है कि वहां बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे, बट क्योंकि आसपास के विलेजेस के लोग धीरे धीरे मलप्पुरम में आ रहे हैं, इसीलिए वो सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। ओके, व्हेन विलेज बिकम्स अ सेंसस टाउन इट्स पॉपुलेशन इज इंक्लूडेड इन द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ओके, सिटीज ऑफ केरला आर सीइंग रैपिड अर्बनाइजेशन एंड द मेन रीजन इज द इंक्लूजन ऑफ न्यू एरियाज इन द अर्बन एरियाज लिमिट। ओके, आपका कोई भी अगर आप लोकल शहर से बिलोंग करते हो तो आपके आसपास एक पूरा डिस्ट्रिक्ट होगा। अब जैसे आप 20 साल पहले देखोगे तो आपको शहर के दूर दूर गांव दिखते थे। ओके, अब जैसे जैसे शहरों का एक्सपांशन होता गया वो गांव अब आपके शहर के एक एरिया के तौर पर इंक्लूड कर लिए गए। ओके, अब आप बोलोगे कि भाई सम एक्स वाई जेड जो एरिया था पहले गांव था, अब वो आपका एक एरिया बन चुका है। तो इसी तरह से सिटीज बढ़ते रहते हैं। ओके, और इसी की वजह थी कि सूरत काफी सालों तक फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में रहा था। ओके, सूरत की जो ग्रोथ हुई, ओके, तो उसी की वजह से जैसे कि वेसू हो गया, अलखान हो गया, जहांगीरपुरा हो गया, भाटपुर हो गया, ये सारे जो गांव थे वो पहले काफी दूर लगते थे। अब जैसे जैसे सूरत का ग्रोथ होता गया ये सारे आपके एरियाज बन चुके हैं। ओके, चलिए, माइग्रेशन की इफेक्ट क्या हो गई। केरला सीज बोथ एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। क्या फर्क है, जब एमिग्रेशन क्या होगा, जब माइग्रेशन फ्रॉम द स्टेट टू अदर प्लेसेस। ओके, तो वो हो गया इमिग्रेशन, जब केरला से कोई बाहर जाएगा, और इमिग्रेशन का मतलब क्या है, जब केरला में कोई बाहर के स्टेट से आएगा। The remittances that immigrants send allow residents of village to move away from agriculture, which changes the status of a village to census town. तो मैंने जैसे आपको बताया कि लोग धीरे धीरे फार्मिंग करना छोड़ रहे हैं, उसकी वजह से अर्बनाइजेशन इतनी रैपिडली ग्रो हो रहा है। ओके, चलिए, तो ये जो आपकी टॉप 15 की लिस्ट थी वो आपको एक बार ध्यान से देख लेनी है कि भाई कौन से सिटीज है। ओके, ये जो लिस्ट है, ओके, ये वाली जो मैं आपको अभी हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, ये जो लिस्ट है वो इंडिया के टॉप 15 आपको यहां पे दिए गए हैं। ओके, और देखिए उसमें कौन कौन से शहर है टॉप 5 में, मलप्पुरम, कोझिकोड, मलप्पुरम वहां पे फर्स्ट रैंक पे है, कोझिकोड वहां पे फोर्थ रैंक पे है, कोल्लम वहां पे 11th रैंक पे है। ओके, एंड त्रिशूर वहां पे 13th रैंक पे है। ओके, और टॉप 5 में इंडिया के रैंक पे अगर देखा जाए तो सूरत भी आपको टॉप 5 में देखने को मिलेगा। ओके, सो दीज आर योर टॉप 15। मतलब इंडिया रैंकिंग जब आप देखोगे, और अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज दे रहे हो, गुजरात के कोई एग्जाम दे रहे हो, तो आपको याद रखना है कि सूरत और राजकोट आपको याद रखना है। ओके, टॉप 15 में। चलिए, तो और कौन से सिटीज है, देखिए तिरुपुर है, तिरुवनंतपुरम दैट इज ऑल्सो इन केरला, रायपुर छत्तीसगढ़, कोची दैट इज ऑल्सो इन केरला, बेंगलोर कर्नाटक, इंदौर मध्य प्रदेश, कोटा राजस्थान, विजयवाड़ा इन आंध्र प्रदेश, राजकोट इन गुजरात एंड मुरादाबाद इन यूपी। ओके, तो ये आपको याद रखने हैं। ओके, चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि आपका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ओके, देखिए काफी इंटरेस्टिंग इमेज आपको स्क्रीन पे दिख रही है। क्या है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, पहले तो मैं बता देता हूं कि किससे जुड़ा हुआ है। तो जो दरिया के किनारे हैं, सी बीचेस जो है उनके साथ ये जुड़ा हुआ है। ओके, तट प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है। अब क्या है सी बीचेस के साथ, तो इंडिया के जनरली आप कोई बीचेस पे जाओगे तो काफी गंदे बीचेस आपको देखने में, प्लास्टिक होगा और कचरे पड़े होंगे, नारियल के वो जो छिलके होते हैं वो आपको पड़े हुए दिखेंगे,
ओके, क्योंकि हम साफ सफाई रखना अब तक सीखे नहीं है। अब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि भाई बीचेस को हमें साफ करना है ताकि उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल पाए। अब क्यों इतना जरूरी है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? वो इसलिए जरूरी है कि अगर एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ओके, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE, अब ये है डेनमार्क की एक एजेंसी है। अब ये अगर किसी बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देती है, अब देखिए आपको सर्टिफिकेशन कब मिलता है, जब आपने कुछ अचीव किया हो, तो उसी तरह से फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन कब सर्टिफिकेशन देगा किसी बीच को, जब वो 33 जितने चेकबुक्स को कवर करता हो, 33 जितने क्राइटेरिया है जिसको पास अगर कर लेता है कोई बीच, तब जाके उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। और एक बार अगर किसी बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है तो वहां टूरिज्म जो है वो ग्रेजुअली क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब टूरिज्म इंक्रीज होगा तो जो लोकल पब्लिक है वहां को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है। ओके चलिए, और इसी वजह से ऐसे बीचेस को एक्सपांड करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने, और ये जो पूरा प्रोग्राम है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड वाला मिनिस्ट्री ही चला रहा है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट हैज रिलेक्ट कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स। अब देखिए सीआरजी भी काफी बड़ा टॉपिक है, वो हम किसी और लेक्चर्स में कवर करेंगे। सीआरजी मतलब दरिया के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, बीचेस पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, उसके रूल्स है। सीआरजेड रूल्स रेस्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन नियर बीचेस, रिलैक्सेशन इन द रूल्स विल अलाउ स्टेट्स टू कंस्ट्रक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अनेबल द बीचेस टू रिसीव ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ओके, तो जो कि मैंने आपको बता दिया कि भाई 33 क्राइटेरिया हमें पास करने पड़ेंगे, अगर वो पास करते हैं इंडियन बीचेस तब जाके उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलेगा। और उसकी संस्था का नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो कि डेनमार्क बेस्ड एजेंसी है। ओके, अब देखिए जब बीचेस की बात आएगी तो कौन से स्टेट होंगे, गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक। ओके, बाकी तो यहां तो बांग्लादेश आ गया तो वो हमें करने की जरूरत नहीं है, यहां का कोई स्टेट दरिया के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ओके, तो देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहां पे छोटा सा गोवा, बीच में पौंडीचेरी आ गया, ओके, केरला आ गया, तमिलनाडु आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया एंड ओडिशा आ गया। ओके, तो इतने स्टेट्स को साथ साथ और कौन से हो गए, यूनियन टेरिटरीज, दीव एंड दमन हो गए, ओके, लक्षद्वीप हो गए यहां पे, और यहां पे हो गया अंडमान निकोबार। तो इतने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीचेस को फिल्टर आउट किया गया है ताकि उनको आने वाले सालों में, आने वाले समय में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अपग्रेड किया जा सके। देखिए अब तक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की क्या सिचुएशन है, 1 in every 6 बीचेस विथ ब्लू फ्लैग स्टेटस वर्ल्ड वाइड आर इन स्पेन। ओके, तो स्पेन में सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है, ओवर 4,000 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन among the 49 countries are given till date। ओके, तो 2020 तक 4,000 बीचेस को क्या दिया जा चुका है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है, और ये जो बीचेस है वो अलग अलग 49 कंट्रीज में बिलोंग करते हैं। ओके चलिए, दिस इज द डायरेक्ट प्रेस रिलीज फ्रॉम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ओके, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ओके, देखिए कौन से पिलर्स पे ये बीचेस को चुना जाएगा, तो वो है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, बेदिंग वाटर की क्वालिटी कैसी रहेगी, एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन के क्या क्या फैसिलिटीज है, और है सेफ्टी एंड सर्विसेज इन दी बीचेस। ओके, देखिए वो बीच प्लास्टिक फ्री होना चाहिए, क्लीनलीनेस होनी चाहिए, प्लास्टिक वहां पे बैन होना चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब की फैसिलिटीज होनी चाहिए, फिर जो इकोसिस्टम है वहां की, जो बायोडाइवर्सिटी है वहां पे क्या इफेक्ट हो रहा है आपके ग्लोबल वार्मिंग का या एनवायरमेंट का, उसके
रिसर्च के लिए नजदीक में एक सेंटर होना चाहिए। तो ऐसे 33 पैरामीटर्स जब कोई पास करेगा तब जाके उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। कौन से बीचेस है, सारे बीचेस के नाम याद रखने हैं, दैट इज हाईली रिकमेंडेड। ओके, आपको पैर के तौर पर भी पूछा जा सकता है, या सीधा सीधा कोई एक स्टेट का नाम दिया जाएगा या एक बीच का नाम दे दिया जाएगा और आपको वाइस वर्सा उसको आइडेंटिफाई करना है। ओके, चलिए तो गुजरात से स्टार्ट करते हैं। तो गुजरात का पहला आ जाएगा यूनियन टेरिटरी है, घोघला बीच दीव, शिवराजपुर बीच गुजरात। ओके, चलिए शिवराजपुर बीच गुजरात, भोगावे बीच महाराष्ट्र, पदुबिद्री एंड कासारगोड कर्नाटक, कासारगोड कर्नाटक। तो कर्नाटक इज द ओनली स्टेट जहां पे दो बीचेस, एक ही स्टेट से दो बीचेस को आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कप्पड़ बीच केरला, कोवलम बीच तमिलनाडु, एडन बीच पुडुचेरी, ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश, मीरामार बीच गोवा। ओके, मीरामार आपने देखा है मूवीज में, जो सिंघम वाली जहां विलन्स को उड़ा देता है हीरो। ओके, तो दैट इज मीरामार बीच। गोल्डन बीच ओडिशा, राधानगर बीच अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बांगाराम बीच लक्षद्वीप। ओके, अब देखिए ऋषिकोंडा जो बीच है वो हम आगे इसके साथ पढ़ चुके हैं। देखिए जब भी मैं कोई चीज आपको पढ़ा रहा हूं और कुछ फेमिलियर वर्ड्स आपको अगर सुनने को मिलता है, जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड प्रोसेस इन योर माइंड कि भाई चलो ऋषिकोंडा मैंने कहां पे पढ़ा था। ओके, ये आपको हेल्प करेगा सेल्फ रिविजन में। ओके, और बार बार हर बार नोट्स खोल के नहीं देखना पड़ेगा। ये जो पूरा प्रोसेस कैंपेन है वो कौन चलाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके यूनियन मिनिस्टर कौन है, प्रकाश जावड़ेकर। हमने ISFR 2019 रिपोर्ट पिछले वीडियोस में देखी है। ओके, चलिए तो ऋषिकोंडा जो बीच है वो हमने देखा था कि भाई ऋषिकोंडा बीच ऋषिकुल्या नदी के पास है और वहां पे जो ऑलिव रिडले टर्टल उनकी नेस्टिंग के टाइम हमने ये बीच पढ़ा था। ओके, जो अर्ली नेस्टिंग इस बार उनकी हुई थी, तो ये आपको याद करना है। वहां पे हमने देखा था कि भाई ऋषिकुल्या रुकेरी के बारे में जब हमने पढ़ा था, जहां पे जो टर्टल्स है वो नेस्टिंग के लिए, नेस्टिंग मतलब अंडे देना, तो मास नेस्टिंग के लिए वो लोग वहां पे आते हैं। ओके, चलिए तो दीज वर ऑल योर बीचेस। आपको सारों के नाम एक लिस्ट बना लीजिए और याद रखने हैं कंपलसरी, दैट इज हाईली रिकमेंडेड। ओके, चलिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इट इज एन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कन्फर्ड ऑन दी बीचेस दैट मीट सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ क्लीनलीनेस एंड एनवायरमेंटल प्रॉपर्टी। ओके, अब ये दिया किसकी तरफ से जाता है, ये दिया जाता है फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE की तरफ से, और ये स्टार्ट हुआ था फ्रांस में 1985। ओके, फ्रांस में 1985 में इसको स्टार्ट किया गया था। जब ये स्टार्ट हुआ तो ये सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज को ही दिया जा रहा था। ओके, और आफ्टर 1987 के बाद उसको यूरोप के कंट्रीज को भी दिया जाता था। ओके, और उसके बाद किसने ज्वाइन किया, साउथ अफ्रीका ने भी उसमें ज्वाइन किया। ओके, द सर्टिफिकेशन इज अकॉर्डेड बाय और गिवन बाय डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन विथ 33 स्ट्राइग्रेंट क्राइटेरिया। ओके, स्पेन टॉप्स द लिस्ट विथ 56 सच बीचेस, ग्रीस एंड फ्रांस फॉलो विथ 515 एंड 395 बीचेस। तो स्पेन में सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पे के बीचेस है, दैट इज 566, और उसको फॉलो करते हैं ग्रीस और फ्रांस विथ 515 एंड 395 बीचेस। अब देखिए इंडिया में सबसे पहले जिस बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला, दैट इज चंद्रभागा बीच पुरी। ओके, जो कि कोणार्क के सूर्य मंदिर के नजदीक है। तो दैट इज द फर्स्ट बीच इन एशिया टू गेट द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, और वो है इंडिया में चंद्रभागा बीच पुरी। और कौन से कंट्रीज में इंडिया में ये मिला हुआ है, तो वो है जापान एंड साउथ कोरिया। ओके, जापान और साउथ कोरिया के जो बीचेस है उनको भी एशिया में ये मिला हुआ है। ओके, चलिए तो आपको ये याद रखना है।
नेक्स्ट हमारे लिए है दिट इज ऑल्सो क्वाइट एंड वेरी सेंसिटिव टॉपिक ओके, जो है ब्रू रेफ्यूजीज। अब देखिए ब्रू रेफ्यूजीज ये टॉपिक आपका बिलोंग करता है नॉर्थ ईस्ट के साथ। ओके, नॉर्थ ईस्ट में अब हमें पता है कि भाई नॉर्थ ईस्ट कैसे बना है, काफी सारे छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स है, इंडिजीनियस ट्राइबल्स एथनिक ग्रुप्स है, उनको मिलाकर पूरा नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग जिले बने हुए हैं। अब जैसे हर जगह चलता है कि भाई ये जगह मेरी है, ये इलाका मेरा है, यहां पे आपको नहीं आना है, वैसी ही चीज इन एथनिक ग्रुप्स के बीच में भी ऐसे एथनिक क्लैशेस चलते रहते हैं। तो ये जो ब्रू रेफ्यूजीज का जो टॉपिक है वो जुड़ा हुआ है बेसिकली त्रिपुरा और मिजोरम के साथ। अब 1997 में हुआ क्या कि मिजोरम के जो लोग थे, सो मिजोरम के लोगों ने ब्रू रेफ्यूजीज पे उनको फिजिकली असॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया, उनके साथ दंगा फसाद करना स्टार्ट कर दिया। क्या रीजन था? तो मिजोरम के लोग ये मानते हैं कि भाई ब्रू रेफ्यूजीज आर नॉट इंडिजीनियस पीपल ऑफ मिजोरम, वो मिजोरम के इंडिजीनियस पीपल नहीं है, मिजोरम के मूल निवासी नहीं है। ओके, इंडिजीनियस पीपल का मतलब है नेटिव निवासी, नेटिव स्पीशीज। ओके, तो मूल निवासी नहीं है तो उनको यहां पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, यहां पर अगर रहेंगे तो हमारे जो रिसोर्सेज है उसका यूज करेंगे, तो उनको अत्याचार करके वहां से भगा दिया गया। अपनी जान बचाने के लिए जो ब्रू रेफ्यूजीज थे वो मिजोरम को पीठ दिखाकर कहां चल दिए, त्रिपुरा में चल दिए, और फ्रॉम 1997 वो त्रिपुरा में रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। अब इनके रिहेबिलिटेशन करना जरूरी था ना, उनको एक इज्जत की जिंदगी देना जरूरी है, तो यही इश्यू सॉल्व होता हुआ हमें नजर आया। और 16 जनवरी 2020 को फोर पार्टी गवर्नमेंट साइन होता हुआ दिखा, जो 22 ईयर ओल्ड ब्रू रेफ्यूजीज को जिसने क्या कर दिया, रिजोल्व कर दिया। ओके, चलिए, अ फोर पार्टी एग्रीमेंट अमंग द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज इंडियन गवर्नमेंट, मिजोरम गवर्नमेंट, त्रिपुरा गवर्नमेंट एंड मिजोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपल फोरम, जो कि रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रू कम्युनिटी के, उनके बीच एक अग्रीमेंट साइन हुआ। ओके, अब जो बैकग्राउंड मैंने बताया वही है, ब्रू को और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज रेंग कम्युनिटी। तो आपको एग्जाम में ब्रू की जगह अगर रेंग भी दिया हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको क्लिक होना चाहिए कि भाई आपको कैसे आंसर देना है। ब्रू और रेंग कम्युनिटी इंडिजीनियस टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लिविंग मोस्टली इन द स्टेट्स ऑफ त्रिपुरा, मिजोरम एंड आसाम। इन त्रिपुरा दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज पीनीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। चलिए आपको मुझे बताना है कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप गुजरात में कितने हैं, कौन सी कम्युनिटीज को पीवीटीजी का रिकॉग्निशन मिला हुआ है। नाउ व्हाट इज पीवीटीजी? तो ये ऐसे स्पेशल ट्राइबल ग्रुप्स है, एसटी पीपल, ओके, ऐसे स्पेशल ट्राइबल ग्रुप्स है जिनकी पॉपुलेशन या तो डिक्लाइन हो रही है या तो स्टेग्नेंट स्टेट पे है, मतलब पिछले कुछ सालों से नहीं बढ़ी है। एजुकेशन का जो लेवल है वो काफी कम है, वो अपनी आजीविका के लिए, अपना गुजरान चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए आज भी छोटी मोटी फार्मिंग के साथ जुड़े हुए हैं, और वो भी ऐसी फार्मिंग के बरसों पुरानी सिस्टम से जो ज्यादा पैसा आपको नहीं अर्न करके दे दी। ओके, तो ऐसे जो ग्रुप्स है उनको पीवीटीजी का दर्जा दिया जाता है। सो फॉर होमवर्क आपको ढूंढ के मुझे बताना है कि भाई गुजरात में कौन से पीवीटीजीज है। ओके, चलिए, इन मिजोरम दे हैव बीन टारगेटेड बाय ग्रुप्स दैट डू नॉट कंसीडर देम इंडिजीनियस टू द स्टेट ऑफ 1997। तो इन 1997 फॉलोइंग द एथनिक क्लैशेस, ओके, काफी सारे जातीय दंगे हो रहे थे वहां पे, ऑलमोस्ट 37,000 ब्रू कम्युनिटी के लोग भाग कर कहां चले गए, मिजोरम से त्रिपुरा में, और तब से वो लोग कहां पे रह रहे हैं, रेफ्यूजी रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं त्रिपुरा में। ओके, और सिंस द 1997 से गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि भाई उनको वापस अपने स्टेट में एस्टेब्लिश कर दिया जाए, बट वो सिक्योरिटी पर्पज से क्या कर रहे हैं, उसको निग्लेक्ट कर दे रहे, उसको रिजेक्ट कर दे रहे, भाई हमें वापस मिजोरम नहीं जाना है, अगर हम मिजोरम जाएंगे तो हमारी सिक्योरिटी की कोई गारंटी गवर्नमेंट नहीं दे रही, इसलिए वी आर नॉट विलिंग टू गो बैक टू
मिजोरम। अब 2018 में भी ओके देखिए तब से क्या हुआ था, 5000 लोगों को मिजोरम वापस भेज दिया गया था अंडर द रिपेट्रिएशन प्रोसेस। नाउ व्हाट इज रिपेट्रिएशन प्रोसेस, रिपेट्रिएशन इज नथिंग बट आप जहां के मूल निवासी हो, आप जहां के नेटिव, अपने नेटिव में वापस जाना, दैट इज बी कॉल्ड एज रिपेट्रिएशन। ओके तो 5000 लोगों को चले गए, 8 फेजेस में उनको भेजा गया। ओके बट अभी भी 32,000 जितने ब्रू रेफ्यूजीज कहां पर रह रहे हैं, त्रिपुरा में रह रहे हैं। अब उनको भी तो वापस भेजना था, तो इसी की वजह से इन जून 2018 गवर्नमेंट कम अप विद एन एग्रीमेंट के भाई चलो यही आपके एग्रीमेंट के टर्म्स है, आपको वापस जाना है त्रिपुरा में। बट उसको पूरे एंटायर ब्रू कम्युनिटी ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। नाउ क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो उसकी सेफ्टी की, मिजोरम में उसकी सेफ्टी की गारंटी उनको नहीं मिल रही थी, इसलिए उनको एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दिया। अब इसके चलते होम मिनिस्टर हमारे बड़े भाई भी गुस्सा गए, कौन बड़े भाई, अमित शाह जो होम मिनिस्टर थे ठीक है उस टाइम पे। तो 18 में होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, उनसे ये सॉल्व नहीं हो पाया, फिर पिक्चर में हमारे बड़े भाई ओके अमित शाह जी गृह मिनिस्टर बने, उनको गुस्सा आया तो उन्होंने क्या कर दिया कि भाई आपने पुराना एग्रीमेंट क्यों नहीं माना, आपको सारी इतनी तो फैसिलिटी हम दे रहे हैं, बट जबकि आपने नहीं माना तो जो रिलीफ सामग्री, जो रिलीफ कैंप में जो भी सामान उनको पहुंचाया जा रहा था वो बंद कर दिया गया ओके। और उसी की वजह से देखिए 6 रेफ्यूजीज की डेथ हो गई थी, और तब ये मुद्दा काफी उठा था। उसके बाद वापस नए एग्रीमेंट के साथ आना पड़ा गवर्नमेंट को, और इस नए गवर्नमेंट नए एग्रीमेंट के हिसाब से सारे जो 32,000 जो लेफ्ट आउट ब्रू रेफ्यूजीज है वो अब कहां सेटल होंगे, त्रिपुरा में सेटल हो गया, अब उनको वापस मिजोरम में जाने की जरूरत नहीं है। द स्टेक होल्डर्स इन द इश्यू एक्सपेक्ट पैकेज ऑफ 600 करोड़ ओके फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें उनको क्या क्या दिया जाएगा, 2500 स्क्वायर फीट का फ्लैट दिया जाएगा हर ब्रू फैमिली को, इन एडिशन टू एग्रीकल्चर लैंड, एक एग्रीकल्चर लैंड भी दी जाएगी, और साथ में 2500 स्क्वायर फुट का फ्लैट दिया जाएगा ताकि वो नए तरीके से अपनी जिंदगी अच्छे से स्टार्ट कर सके। अ स्टाइपेंड ऑफ 5000 पर मंथ एंड फ्री राशन फॉर ईच फैमिली फॉर द नेक्स्ट 2 years। ब्रू ट्राइब्स वुड बी नाउ इंक्लूडेड इन त्रिपुराज वोटर लिस्ट, ताकि आने वाले सालों में उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिल सके ओके चलिए। तो ये काफी देखिए 22 सालों से पेंडिंग था, होम मिनिस्टर ने आके इसको रिजॉल्व कर दिया ओके। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओके। चलिए तो ये था आपका आज का लेक्चर, नाउ वी विल मूव टू योर टेस्ट क्वेश्चन। पहला जो टेस्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन, द इसरो हैज प्रपोज्ड द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर हियर। स्टेटमेंट टू, द इट इज फेमस फॉर कांबली मेड बाई लोकल करूबा पीपल। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3, इट इज ऑल्सो नोन एज साइंस सिटी। स्टेटमेंट नंबर 4, इट इज नोन एज द सेकेंड मुंबई ऑफ इंडिया। कौन सा शहर होगा वो आपको ढूंढ के मुझे बताना है, वेट करूंगा आपके सही आंसर की इन दी कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट 1, 26 नवंबर मार्क्स द डे व्हेन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। स्टेटमेंट 2, 26 जनवरी मार्क्स द डे व्हेन इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा सही है वो आपको मुझे बताना है, 1 only, 2 only, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2 ओके। क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेफरेंस टू द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ इट डिफाइंस अ चाइल्ड एज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, तो जिस बालक ने 18 साल की उम्र को कंप्लीट नहीं किया है उसको चाइल्ड माना जाएगा, या इट पनिशेज अ मेल एज वेल एज अ फीमेल पर्सन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग चाइल्ड मैरिज। विच ऑफ दी स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। तो सही आंसर आपको मुझे बताना है। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर एंड अंडरस्टूड द लेक्चर कंप्लीटली ओके। अच्छे से नोट बनाते जाइए, स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you.